द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आज़ाद का असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 भावरा गांव एमपी में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और उनकी मां का नाम जिगरानी देवी था। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया। 9 अगस्त 1925 में ककोरी कांड में शामिल थे। इसमें 10 क्रांतिकारी फरार हो गए जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में चंद्रशेखर आज़ाद ने सौंदर्स को मारने के लिए भगत सिंह और राजगुरु की मदद की, जिसमें राजगुरु ने पहली गोली सौंदर्स के सर पर मारा और चंद्रशेखर आज़ाद ने सौंदर्स का सिपाहियों को मारा। उसके बाद पूरा लाहौर में यह बात फैल गई कि लाला लाजपत राय का बदला ले लिया गया है। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली क्योंकि वो अंग्रेज़ों द्वारा गिरफ्तार नहीं होना चाहते थे। 15 अगस्त 1947 के बाद अल्फ्रेड पार्क का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रखा गया।